हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को कैसे ऑफ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 5G फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन में टच साउंड टच वाइब्रेशंस को बंद करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाता है। देख सकते हैं, यहाँ से बैक करके साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है। इस पे जाकर आपके पास सिस्टम साउंड सेटिंग्स आ जाएगी। इस पे जाकर आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं। सिंपली आप ऑफ कर देंगे तो जो आपका टच साउंड है ऑफ हो जाएगा और कोई भी टच साउंड आपके फ़ोन में शो नहीं करेगा क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है। एंड आप वाइब साउंड को यहाँ से ऑफ करके भी साउंड को बंद कर सकते हैं और साउंड आपके फ़ोन में बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो इस तरह से टच साउंड फ़ोन को ऑफ कर सकते हैं। एंड आप टच वाइब्रेशंस को ऑफ करना चाहें तो वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ से वाइब्रेशंस को भी ऑफ कर सकते हैं और कोई भी वाइब्रेशन आपके टच पे शो नहीं करेगा क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है। एंड आप यहाँ से भी इन सेंसिटिव को कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं वाइब्रेशन सेंसिटिव को। तो इस तरह से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियोस ले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।